खरगोन शहर की कुंदा नदी में बहती हुई एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो ये लाश पुरानी है, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना किया है। हम आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन कालिका माता मंदिर में भक्तों का तांता लगता है। इसी बीच लोगों ने मंदिर के सामने नदी में बहती लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना लगते ही थाना प्रभारी बीएल मंडलोई मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम करके मामला जांच में लिया, जबकि लाश अज्ञात बताई जा रही है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कुंदा नदी में कालिका माता मंदिर के सामने एक पुरानी लाश पानी में तैर रही है। सूचना पर लाश को निकालकर और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। सर, लाश में कोई ऐसे चोट के निशान वगैरह की कोई आशंका नहीं? प्रथम दृष्टया तो नहीं है। पीएम के पश्चात डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर साहब द्वारा जानकारी दी जाएगी उसमें। अभी तो इस प्रथम दृष्टया कोई इसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। लाश पुरानी है, कहीं से शायद बह के आई है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।